अब इस गुना को देखिए एक बार, और इससे पहले आप कैलकुलेटर निकाल के बैठिए, ठीक है, देखिए कि सौ को बढ़ाने में कितना सेकंड लगता है और आपको कितना सेकंड लगता है। कैलकुलेटर से भी फास्ट गुना होगा, ठीक। जैसे इसका अगर हमको आंसर लिखना हो, बस हो गया, 3 सेकंड में दोस्तों आंसर आ जाएगा। कैसे? मैं प्रीतम सर आपका स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पे। जितने भी लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे मज़ेदार मज़ेदार ट्रिक सब आपको हमेशा मिलते रहे और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका टेक्निक क्या है, क्या इसका ट्रिक है। तो आपको देखना है कि 9700 से कितना कम है, तो 3 कम है, और 9400 से कितना कम है, तो 6 कम है। अब इसको आप क्या करिए, क्रॉस घटा दीजिए, या तो 97 में 6 घटाइए या तो 94 में 3 घटाइए, आएगा आपको 91 ही, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से जब समान मान आ जाए तो आप किसी भी एक मान को रख लीजिए, 91 आ गया, और दिए गए मान को गुना कर दीजिए, बस हो गया, चुटकियों में सवाल सॉल्व, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया हुआ हो 95 गुने 96, तो 9500 से कितना कम है, 5, 96 कितना 100 से कम है, 4। अब फिर वही करना है, क्रॉस घटाना है, या तो 95 में 4 घटाना है या 96 में 5 घटाना है, कितना मिलेगा आपको, 91, वेरी गुड। और 5 गुने 4 कर दिए कितना आ जाएगा, 20, हो गया। बहुत ही आसानी से, कैलकुलेटर को फेंक दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 92 × 89, ये भी क्वेश्चन ट्रिक से बन जाएगा। 92 सौ से कितना कम है, 8, और 89 सौ में कितना कम है, 11, ठीक है। अब क्रॉस घटाना है, 92 में 11 घटाइए या 89 में 8 घटाइए, कितना आएगा आपका मान, इसमें मान आ जाएगा आपका 81, ठीक है। और आप 11 × 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 88, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें ट्रिक दो देखते हैं, ये आपका ट्रिक फर्स्ट था, अब ट्रिक दो देखते हैं कि ट्रिक दो इसका क्या होगा। अगर संख्या 100 से नीचे ना होकर के 100 से अगर ज़्यादा हो तब क्या होगी, जैसे 102 × 103, अगर ऐसा दिया रहे तब क्या करना है। तो ये 100 से कितना अधिक है, 2, और ये 100 से कितना अधिक है, 3। फिर से वही क्रॉस वाला काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे घटेगा नहीं, जुड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा कि चिन्ह यहाँ जो प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, अगर माइनस रहा तो घटेगा। जैसे 103 में आप 2 जोड़िए या फिर 102 में 3 जोड़िए, कितना आना है, 105। अब यहाँ देखिए 3 × 6, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 2 अंक में लिखना है, 3 × 6 मतलब 06, हो गया आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल 5-6 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यदि मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे 107 × 104, तो ये 100 से 7 ज़्यादा है और ये 100 से 4 ज़्यादा है। आप क्रॉस में दोनों में से किसी को जोड़िएगा, आपको मान से मिलेगा। जैसे 107 × 4 या 104 × 7, कितना आएगा, 111। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 7 × 4 = 28, ये 2 अंक पहले से ही है तो 0 इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखना है 28, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को देखते रहें, अच्छा लगे तो आप शेयर करें, थैंक यू।